जय हिंद। मेरा नाम है रूपेश और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आप सभी को मालूम है कि सहकारिता विभाग में वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस लिया जा रहा है, ऑनलाइन भी क्लासेस लिया जाएगा आज रात 9 बजे से। ये कुछ अपडेटेड हम इसलिए लाए हैं, छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं कि आप सभी को मालूम हो जाएगा कि इस वीडियो पर हम आप लाइव क्लास लेंगे। तो जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, व्यापम पीएससी जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री क्लास कराया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया जा रहा है यूट्यूब पर। साथ ही सबसे मेन मुद्दे की बात करें तो सहकारिता विभाग में जिसका 398 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है, जिसका एग्जाम आपका 15 अक्टूबर को होनी है, तो इसकी ऑनलाइन जो है प्रारंभिक करने की तिथि है आपका 6 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है। उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपका 23 सितंबर, इसको याद रखना। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जाइए फॉर्म भर लीजिएगा। योग्यता की बात करें, सभी लोग योग्यता के बारे में पूछ रहे थे कि सर इसकी योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, तो सबसे पहले बात करते हैं आयु सीमा के बारे में, जिसका 21 से 35 वर्ष मांगा गया है। सबसे बड़ी बात इसकी योग्यता है, क्वालिफाई है, आपका क्वालिफिकेशन है 50% स्नातक में, यानी कि जो ग्रेजुएशन है उनका 50%, साथ ही प्लस आपका PGDCA अनिवार्य है। जिन्होंने PGDCA किया है, स्नातक किया है, 50% है, वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही नवीन भर्ती जो समिति प्रबंधक है उसमें 50% नहीं मांगा गया, स्नातक मांगा गया है और PGDCA मांगा गया है, याद रखना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर करते हैं कि देखिए जो सिलेबस है इसमें, तो सिलेबस आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ लैंग्वेज यानी कि भाषा से दोनों मिलाकर भाग वन में आपका 50% लाना अनिवार्य है। जैसे कि देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान आपके 10 नंबर है और छत्तीसगढ़ लैंग्वेज में आपका 10 नंबर है, दोनों को टॉपिक मिलाकर भाग वन बनता है, जिसमें आपको 50% लाना अनिवार्य है दोनों में, तभी आप भाग टू का नंबर ऐड कर पाएंगे, ठीक है। वहां पर आपका नंबर चेक किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो भाग टू के बारे में बात करते हैं तो उसमें अधिनियम वगैरह से क्वेश्चन है ना, सहकारी समिति वगैरह से जितने भी क्वेश्चन है 25 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार आपका सामान्य ज्ञान है, भारत का सामान्य ज्ञान है, गणित है, रीजनिंग है, तार्किक है ना, गणित रीजनिंग तार्किक वही है, वो 10 नंबर का है। सामान्य ज्ञान की 10 नंबर पूछा जा रहा है, ज्यादा आपको उतना डीप में नहीं पढ़ना है, ऊपरी पढ़ना है। उसके बाद हिंदी है, अंग्रेजी है, कॉमन बात है, सामान्य ज्ञान है, कंप्यूटर है। मैं देखिए हॉस्टल वालों के लिए वैकेंसी आएगी करके मरे जिए रहे, आप लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़े थे, आप सभी को मैं क्वेश्चन कराया था पूरा, बिल्कुल डेली 50-50 सब्जेक्ट क्वेश्चन कराया था। उसी प्रकार ज़्यादा आपको कंप्यूटर का पढ़ना है, जिनको तैयारी जो हॉस्टल वाले तैयारी कर चुके हैं हॉस्टल वाले में कंप्यूटर का, उनको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंप्यूटर से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जितना है हम आपको डेली क्लास कराएंगे आज से रात 9 बजे, जिनको तैयारी करना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया या फिर ज्वाइन के बटन के बगल में दिया हुआ, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर ये सहकारिता विभाग के जो क्लासेस के लिए अपडेट हम लेकर आए थे वो छोटी सी है ये वीडियो। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हाँ, खासतौर पर रात को 9 बजे लाइव क्लास लिया जाएगा और रिकॉर्डेड जो क्लास आप एक छोटी सी वीडियो हम लेकर आएंगे वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे। और वीडियो को देखते हो सही का लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम इतनी मेहनत से आप सभी के लिए जो परफॉर्मेंस लेकर आते हैं तो वीडियो को लाइक बनता है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।